असुरन चौक स्थित राप्ती कॉम्प्लेक्स के व्यापारी अजय कुमार गुप्ता का शनिवार को हुए आकस्मिक निधन पर राप्ती कॉम्प्लेक्स में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा में स्वर्गीय अजय गुप्ता को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तत्पश्चात कॉम्प्लेक्स के सभी दुकानदारों ने 2 मिनट का मौन रखकर मृत आत्मा को सतगति प्रदान करने तथा उनके परिवार को इस अपार दुख को सहन करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। इस दौरान राप्ती कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों ने अपने साथी दुकानदार के निधन पर शोक स्वरूप स्वतः ही अपनी दुकानों को आज के लिए बंद रखा। शोक सभा में मुख्य रूप से राप्ती कॉम्प्लेक्स व्यापार समिति के अध्यक्ष हनुमान सिंह बघेल, संयोजक विनोद प्रताप, गोविंद राव, मणिनाथ गुप्ता, आनंद त्रिपाठी, सुनील गुप्ता, पृथ्वीनाथ गुप्ता, देवेश लालवानी, सुधीर सिंह, विनोद गुप्ता, मनीष बरनवाल, अरुण सरावगी, परवेज खान, नूरी जी, जुगल किशोर, रत्नेश गुप्ता, रोहित गुप्ता, अजय पांडे, प्रदीप कुमार गुप्ता, रमाशंकर गुप्ता सहित राप्ती कॉम्प्लेक्स के सैकड़ों दुकानदार मौजूद रहे थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष मणिनाथ गुप्ता और राप्ती कॉम्प्लेक्स व्यापार समिति के अध्यक्ष हनुमान सिंह बघेल ने कहा, पूरे कॉम्प्लेक्स के आपको पता ही होगा क्या, सुबह हमारे कान्हा मुंसल के कान्हा गारमेंट के प्रोफेसर अजय गुप्ता जी का वहाँ आए थे, दुकान खोला उन्होंने और खोलते के साथ उनको कुछ तकलीफ हुआ और ज़मीन पर बैठ गए। हमारे कॉम्प्लेक्स के कई दुकानदार भाइयों ने सबसे पहले उनको फातिमा हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टरों ने वहाँ कहा कि उनको लेकर के जाइए सीधे मेडिकल कॉलेज, वहाँ ले गए, वहाँ कोशिश उन्होंने गए, उसके बाद वहाँ पर पता चला कि डॉक्टर हम अपार दुख की घड़ी में राप्ती कॉम्प्लेक्स के सारे दुकानदार स्वेच्छा से अपनी दुकानों को बंद करके हम लोग इकट्ठा होकर के उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इसके साथ ही हम मृतात्मा की शांति के लिए और उनके परिवार को इस अपार दुख की शक्ति को संबल प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। अब मैं ये चाहूँगा कि उनके सम्मान में 2 मिनट का मौन जो है वो हम लोग रखा जाए। राप्ती कॉम्प्लेक्स के वरिष्ठ व्यापारी हम सभी के बीच के कान्हा गारमेंट फर्म के मालिक अजय कुमार गुप्ता जी सुबह प्रातः 10:30 बजे दुकान खोलने के संबंध में आए जो है, और एक बैग उनका अकस्मात तबीयत खराब हुआ। हम लोग सहमे कि क्या हुआ जो है, हम लोग कुछ दुकानदार जो भी उस समय थे उनको लेकर फातिमा अस्पताल में गए, जहाँ पर उन्होंने फातिमा अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें जो है मेडिकल कॉलेज के लिए रिफ़र किया। बहुत प्रयास करने के बाद भी हम लोग मेडिकल कॉलेज पहुँचे जो है, और उनका उस समय देहांत हो गया था। उसी क्रम में जो है उनके सम्मान में और उनके लिए राप्ती कॉम्प्लेक्स में कंडोलेंस आज हुआ जो है, और यहाँ पे दिवंगत आत्मा की शांति के लिए एक प्रार्थना सभा हम लोगों ने रखा जो है, और सारी दुकानें यहाँ की बंद हैं। एक दुखद सूचना ये है कि राप्ती कॉम्प्लेक्स के वरिष्ठ दुकानदार अजय गुप्ता कान्हा गारमेंट के प्रोपरेटर थे, उनका राप्ती कॉम्प्लेक्स में दुकान खोला उन्होंने, खुलने के बाद उनको कुछ तकलीफ हुआ और उनको लोग फातिमा हॉस्पिटल में ले गए, फातिमा से फिर मेडिकल कॉलेज ले गए जहाँ पे उनका देहांत हो गया। हम लोगों ने यहाँ पे राप्ती कॉम्प्लेक्स में सदस्य लोगों ने दुकानों को बंद रखा और एक श्रद्धांजलि सभा अर्पित किया, और हम सभी कंडोलेंस कि उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में अपार संबल प्रदान करे ईश्वर, यही हम लोगों ने प्रार्थना किया। राप्ती कॉम्प्लेक्स में अब सारी दुकानें बंद रहेंगी आज के लिए। मैं हनुमान सिंह बघेल, अध्यक्ष राप्ती कॉम्प्लेक्स व्यापार समिति।